Yeah, you are. Yes. Okay, so I have been told that I can give session in any language, Yeah, so you can. I prefer to give in mix kind of. Sure. So I'll start with the prayers. Om Ajnana Timrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Yuta Shri Guru Vaishnavanscha श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Hare Krishna, Hare Bol. तो सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई मेरे में योग्यता नहीं है कि मैं हरि नाम के बारे में बोल पाऊँ। हरि नाम जो है वो बहुत बड़ी चीज और इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जिसके बारे में बोलना मुझ जैसे पतित आत्मा जीव कुछ भी कहिए उसके लिए बहुत मुश्किल है। प्रभु जी ने मुझे ये सेवा के लिए बोला तो एकदम मैं सोच रही थी कि क्या मैं बोल भी पाऊंगी इस बारे में, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। जो भी मैंने अपने सीनियर भक्तों से सीनियर डिवोटीज वैष्णवास उनकी ब्लेसिंग से जो भी आज तक सुना है जो भी आज तक फॉलो किया है और जो जो स्ट्रगल कर रही हूँ मैं वही शेयर करना चाहूंगी। तो प्राय हम जब हरि नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि सब हमें ऐसा बताते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हमें इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, हमें सुबह उठ के जपा करना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना चाहिए, वन सिटिंग में जपा करना चाहिए। तो जब हम ये सुनते हैं तो हम अपनी पूर्ण क्षमता लगाते हैं अपनी पूर्ण कैपेबिलिटीज लगाते हैं टू गेट ऑल दीज थिंग्स कि हम जो है सुबह उठेंगे बहुत प्रयास करते हैं और फिर हम एक से एक सेशन में आके मैं सुबह से देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे भक्त हैं जो एक सेशन में बैठ के जपा करते हैं वन गो में 16 राउंड्स करते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी एक सीनियर वैष्णव का शेल्टर लिया है ये सब फॉलो करने के लिए जपा करने के लिए करते करते। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत शास्त्रिक नहीं रखेंगे हम आज के जपा को, हम बड़ा प्रैक्टिकली मैं इस चीज को बोलना चाहती हूँ जो प्रैक्टिकल हमारे साथ हो रहा है ना वही। तो उसमें क्या है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे डिवोटीज हैं बहुत सीरियसली चैंटिंग कर रहे हैं। अगर आप मुझे इसके लिए कुछ टिप्स दे पाए तो प्लीज दीजिएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग इन दिस प्रॉब्लम कि हम लोग सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं मुझे फोन करके उठाना, ऐसा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ करती हूँ, एक दूसरे को फोन करके उठाते हैं, एक दूसरे को फोर्स करते हैं। जब हम जपा नहीं करते हमें हमारे हमारे सीनियर वैष्णव हमको फोर्स भी करते हैं कि नहीं सुबह ही उठो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और हम उठते हैं स्ट्रगल करते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो है ना, स्ट्रगल करके उठते हैं एक ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के फिर भी हम जपा करते हैं, एक सिटिंग में 16 माला भी कर डालते 25 माला भी कर डालते हैं और अनेकों बार मैं देखती हूँ जैसे प्रभु जी ने अभी बताया तो मैं बहुत बहुत चैंटिंग भी कर डालती हूँ करती हूँ, लेकिन जो एक टेस्ट है वो आ नहीं रहा चैंटिंग के अंदर है ना। और कैसे कंसिस्टेंसी होने के बाद भी हमें जपा नहीं होता, फिर भी हमें फोर्स ही करना पड़ता है हर किसी को कि आप फोर्स करते हैं कि आप चैंटिंग करो तभी हम जपा करते हैं। तो वाई वी आर नॉट गेटिंग दिस टेस्ट, किस लिए हमको वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमको जपा के अंदर इतना स्वाद ही नहीं आ रहा कि हम जपा कर रहे हैं।
जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं कि सबको सबसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसे जैसे अभी मैंने सुबह देखा तो सब इतने डिवोटीज बैठे थे, तो हमें प्रेरणा मिलती है, अच्छा ये माता जी भी हैं, ये प्रभु जी भी हैं, कभी मिस कर जाते हैं तो लगता है कि आज हमने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, कल से हम जरूर उठेंगे, फिर हम फेल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें क्यों फेल होते हैं, बिकॉज हमारे अंदर टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो हाउ टू डेवलप दैट टेस्ट, कैसे वो टेस्ट आएगा? अभी तक वो एक स्टेज है जो महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम के लिए मेरे मेरे हजारों हजारों मुख हो, हजारों हजारों कान हो, जो मैं हरि नाम ले पाऊँ, उसको रिलीश कर पाऊँ, लेकिन वो स्टेज कब आएगी हमारी लाइफ में? वो तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भी वो स्टेज नहीं आ रही हमारी लाइफ में, तो कैसे आएगी, कब आएगी वो स्टेज हमारी लाइफ में? मतलब इतना प्रार्थना करते हैं भगवान, कम से कम मृत्यु से पहले तो वो स्टेज आनी चाहिए हमारी, लेकिन वो स्टेज ही नहीं आ रही है। वो स्टेज क्या, उसका आभास भी नहीं हो रहा हमको कि कैसे आएगा, कैसे होगा हमारे साथ, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? मतलब हम सोच रहे हैं ना, तो जैसे हम सब चीजें फॉलो करते हैं, नो डाउट हमको जो 10 नाम अपराध है उनको फॉलो करना है ना, जो हमारे साथ हमारे हमारे आचार्य ने जो हमको शिक्षा दी है वो पढ़ना है, फॉलो करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, एक दूसरे से प्रेरणा लेनी है, लेकिन वो स्टेज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे को इच्छा हो, है ना? बोलते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग, तो रिजल्ट ऑफ चैंटिंग मीन्स मोर चैंटिंग, ये हमें और जपा करने का इच्छा हो, तो रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज मोर चैंटिंग, तो हमको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, तो क्या हमारी इच्छा हो रही जपा करने की, क्या हम लोग 15 ऐसे अपने टेली काउंटर की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है कि माला पे ज्यादा ध्यान रहता है? तो मेरा तो टेली काउंटर की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, 2 हो गई 4 हो गई, कभी कभी हम जपा करते करते सो जाते हैं, माला छूट जाती है, इतना रिग्रेट तो अपराध करने पे भी नहीं होता जितना रिग्रेट मेरा माला छूटने पे हो जाता है, कि आधी माला छूट गई, अब क्या करूं, दोबारा करूं या ढूंढती हूँ उसी मनके को कि यहीं से स्टार्ट करूं, नहीं यही नहीं, पीछे होगा आगे होगा, एक्चुअली में ये चीज में हम लोग ज्यादा रहते हैं, है ना? तो जो है हम लोग जो है इस चीज के अंदर कभी कभी हम जपा करते हैं तो 2-3 जो हमारे बीड्स होते हैं वो एक मंत्रा में 2-3 निकल जाते हैं, कभी कभी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जपा के टाइम पे हम लोग का टाइम 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, सॉरी 5 मिनट से कम लग रहा है तो वो गलत है, 5 मिनट से अगर 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं तो भी वो गलत है, तो हमको कैसे सब चीजों को बैलेंस करना है और कैसे हम लोग जो है कैसे करेंगे ये सब? तो जो एक इंटेलिजेंट और एक सीरियस डिवोटी होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि कैसे होगा ये, हम ये स्टेज तक कैसे जाऊंगा, तो हम ऐसे ऐसे भक्तों के एसोसिएशन लेते हैं जो कि बहुत सिंसियर हैं, ऐसे भक्तों के एसोसिएशन लेते हैं जो कि एक सेकेंड, ऐसे ऐसे भक्तों के एसोसिएशन लेते हैं जो कि हमको जिनकी जिनके जपा में रुचि है, जो हमें जपा में और आगे तक ले जा सकते हैं, है ना? तो जो क्या है, हम लोग को इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के ना एक बड़ा डर लगता है कि कहीं हमारे प्राण ना छूट जाएं, उससे पहले हमारे अंदर टेस्ट ना आए चैंटिंग का, बिकॉज ऐसे कहा भी जाता है कि चैंटिंग जो है हमारी भक्ति का 98% जो है वो जो है चैंटिंग पे डिपेंड करता है, फिर कहते हैं हमें पढ़ो भी, रीडिंग हियरिंग भी करो, लेकिन 98% तो चैंटिंग पे करता है, और चैंटिंग पे हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सुबह बैठ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तब भी इच्छा नहीं हो रही है चैंटिंग करने की, तो हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने हृदय से पूछना चाहिए कि क्या सच में मन कर रहा है चैंटिंग करने का, तो नहीं कर रहा। तो जो है मैंने जो भी आज तक सुना है अपने सीनियर से, तो मैंने ऐसे 5 पॉइंट नोट किए हैं कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होगी चैंटिंग की, अगर हम ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो, ये हमारे आचार्य ने बताए हैं, सीनियर वैष्णवास ने बताए हैं, तो ये 5 पॉइंट को हम फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर प्रगति हो सकती है, कुछ ना कुछ चैंटिंग के टेस्ट आने की इच्छा हो सकती है। तो 5 पॉइंट क्या है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ग्रेटिट्यूड, है ना? बड़ा इजी लगता है ग्रेटिट्यूड, बोल दिया ये तो हम रोज ही सुनते हैं, ये तो हमें कल भी बताया था, ये तो हमें हर कोई बताता ही रहता है, चलो ये तो बड़ा नॉर्मल पॉइंट है, बट इट इज नॉट नॉर्मल पॉइंट, ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो एक नॉर्मल पॉइंट होगा। ग्रैटिट्यूड किस बात पे करना है, हमें ये देखना है, जैसे कि हम ऑब्वियसली हर भक्त, जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं 27 इंक्लूडिंग मी, तो मैं अपने बारे में ही कहूंगी कि अगर कोई मेरी पास्ट लाइफ देखूं और अगर मैं अपनी लाइफ देखूं अभी की, तो ये देखो कृष्ण के आने से लाइफ में, डिवोटीज के लाइफ में आने पे कितने चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, है ना? मैं क्या से क्या हो गई, अभी प्रभु जी ने कहा कि माता जी बहुत चैंटिंग करती है, बहुत टेस्ट है चैंटिंग में, तो टेस्ट नहीं है कोई चैंटिंग में, ये जबरदस्ती कराई जा रही है,
मैं इसीलिए चैंटिंग ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ तेज डेवलप हो जाए, शायद कोई एक ऐसा हरी नाम निकल आए मुंह से कि मतलब मेरे को टेस्ट आ जाए, मुझे इच्छा करे। लेकिन एक एक हरी नाम लेते हुए भी इच्छा नहीं होती हरी नाम देने। नहीं, कितनी हमारी दयनीय स्थिति है, कितना हम जानते हुए भी कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो हम क्या थे और क्या हो गए, हाउ मच कृष्णा हेल्पलेस। ऐसा नहीं कि हम अपनी कैपेबिलिटीज से आज यहाँ पहुंचे हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं, मैं खुद को देखती हूँ कि अभी मैं सुबह सुबह उठ के जपा करने कर लेती हूँ, फोर्सफुली करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा। लेकिन मैं क्या थी, मतलब जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपा करती हूँ, टू बी वेरी फ्रेंक, ऐसा मैं सोचती हूँ कि इस समय कभी कभी मैं सोने जाती थी, इतना तामसिक स्थिति थी। आज भक्तों की कृपा से, आज कृष्ण की कृपा से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना अपने आप को, कि मैं देखूं कि ये फलानी माता जी थी, ये तो ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, मैं इससे नीचे हूँ। नो, हमको खुद से अपने आप को कंपेयर करना है कि 4 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी क्या स्थिति थी, है ना। ऐसा मुझे फील होता है कि मैं ऐसे सड़क पे भटकता हुआ ना एक एक पशु के समान थी एक्चुअली, जिसको ना अपनी दीन दुनिया का पता था, ना जिसको कुछ अपने बारे में पता था, जिसको ये नहीं पता था आगे क्या होगा। तो हमारी स्थिति इतनी बुरी है, लेकिन हमारे अंदर कब आएगा टेस्ट, जब हम इन भक्तों के संग करेंगे, जब हम भक्तों के अंदर ये चीजें देखेंगे कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को स्टेबल बनाए हुए हैं। जैसे मैं अभी देख रही हूँ, जिस दिन से श्री गौर प्रभु जी हमारे मंदिर में आए इस्कॉन द्वारका में, शायद कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि वो मंगला आरती में नहीं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि प्रभु जी कैसे सुबह उठ जाते हैं, कैसे सारा दिन मंगला आरती, मतलब हर रोज मंगला आरती में आ पाते हैं। ये भी तो रात को लेट आते होंगे, प्रभु जी भी तो रात को कहीं ना कहीं लेट हो जाते होंगे, हम तो उठ नहीं पाते। तो ऐसे हमें प्रेरणा लेनी, हमें जेलस नहीं होनी, है ना। लेकिन ये मेटेरियल वर्ल्ड डिजाइन ही इस तरीके से हुआ कि हम जो है कंप्लेन करते रहते। तो हमको कंप्लेन नहीं करनी है भगवान से, कि हम कहेंगे भगवान हमको ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें वो दे दो। हम कभी कभी क्या करते हैं, अधिक जपा करते हैं और भगवान को इंटरनली हम पूछ सोचे तो हम भगवान को ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, मैं इतना जपा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, इतना तो हो सकते हैं कि आप मेरे पे इतनी कृपा कर दो कि इतना करने के बाद मुझे ये मिल जाए। तो ऐसी अगर हम अपने अंदर इच्छा रखेंगे, अगर हम इस तरीके से सोचेंगे, तो कभी भी हरि नाम का टेस्ट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमको ना सेंटिमेंटली नहीं सोचना, हमें प्रैक्टिकली इस चीज को देखना है कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेटफुल होना इन सब चीजों के लिए, है ना। जैसे कि अगर हम ये सोचे कि हम फिर भी भगवान को कंप्लेन करते रहे, सपोज मेरा ऑफिस में मेरी बॉस है या मेरा मेरा मैनेजर है, तो वो मुझे हर चीज हेल्प कर रहा है, हर चीज मुझे बना के दे रहा है, हर चीज वो मेरे लिए कर रहा है, और फिर भी मैं उससे कंप्लेन ही करे जाती हूँ कि नहीं मुझे तो ये नहीं मिल रहा, मुझे तो वो नहीं मिल रहा, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, मुझे टीम सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वो फिर भी हेल्प करे जा रहा। तो एक दिन क्या होगा, वो भी मैं हेल्प करना बंद, बोले ये रोती रहती है 24 घंटे, है ना, इसको छोड़ो। तो कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं, हम लोग जिस तरीके से कंप्लेन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, मिलने के बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि आज की हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, हमें भक्तों का संग मिला है, हमें भक्तों के साथ, हमें आज ये पता चल गया है कि व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ, कि हमारा जो एक जीव का स्वरूप है वो क्या है ना। तो हमको जो है बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, नो अदर मोटिवेशन, कि हमारे पास कोई, हमें कोई और तरह का मोटिवेट नहीं होना चाहिए भक्ति जपा करने के टाइम, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम कोई और मोटिव रखेंगे ना, तो हमारे अंदर कभी भी जपा का टेस्ट नहीं है। कि अगर हम जपा कर रहे हैं, हम ये सोचे जपा करने से ये हो जाएगा, जपा करूंगी भगवान मेरे पे कृपा अधिक करेंगे, आज मैंने अधिक जपा किया है, आज अधिक कृपा होनी चाहिए, है ना, भगवान के साथ इस तरीके की सौदेबाजी करेंगे, तो कभी भी जपा का टेस्ट नहीं आने वाला होगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे अंदर मेटीरियल डिजायर आते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हम ऐसा करेंगे, हम इतना जपा करेंगे, आप हमारी डिजायर्स को पूरा कर दो, हमारी हमारे घर को बना दो, हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल जाना चाहिए, वो अच्छी जगह पे खड़े हो जाना चाहिए, पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाने चाहिए, मेरे रिलेटिव्स मुझे पूछे, नाम प्रतिष्ठा आए, अगर ऐसी ऐसी भी डिजायर अगर हम रखेंगे, और सपोज करो कि ऐसी डिजायर हमने रखी और भगवान ने ऐसी डिजायर पूरी भी कर दी, है ना, कि हमारा अच्छा घर बन गया, हमारी अच्छे पास हमारी गाड़ी आ गई, हमारी अच्छी अच्छी चीजें मैं मिल गई, जैसे जैसे इच्छा मैं करती गई वैसे वैसे इच्छा पूरी होती गई, तो भी हमारी डिजायर जो है वो खत्म नहीं होने वाली। फिर हम और डिजायर रखेंगे, फिर हम और डिजायर रखेंगे, फिर
हम अगर हम इतनी डिजायर्स रखते रहेंगे तो फिर कृष्ण क्या करेंगे, एक दिन हमारे सारे डिजायर्स को खत्म कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं ये तो हर रोज ऐसे ही मांगते हैं, हमारा हरि नाम छूट जाएगा। तो हमारे अनमोटिवेशन हमारी जो है सेवा होनी चाहिए, हम कोई और मोटिव होना नहीं चाहिए, सिर्फ टू गेट द कृष्ण प्रेम, है ना। तो जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, जब हमें पता चल जाएगा कि हमें, हम जब जपा करते हैं बोलते हैं भगवान हमें सेवा दीजिए, हमें सेवा दीजिए, जैसी हमें सेवा आती है हम भाग जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है ना। जो हम इतनी प्रेरणा हमें मिलेगी लोगों से, इतनी प्रेरणा हमें भक्तों से मिलेगी और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, हमें ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, दिस इज फुल ऑफ मिजरीज, बताया गया ना दिस इज फुल ऑफ मिजरी। तो अगर ऐसा बोलेंगे कि अगर हम भक्त नहीं है तो हमें लगता है कि ये फुल ऑफ मिजरी है, हम भक्त हम चीजें मांगते हैं भगवान से, मेटीरियल डिजायर रखते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए तो भी डिजायर तो ऐसी ही रही, प्रॉब्लम्स तो ऐसी ही रही, और प्रॉब्लम तो ऐसी ही रहेगी हमारी, मेटीरियल डिजायर हो, मेटीरियल हो चाहे हमारा जो है स्पिरिचुअल हो या कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो क्या कहेंगे हमारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही रहने वाली, प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली, लेकिन उसके साथ होगा क्या, हमारे पास जो है कन्विक्शन आ जाएगा कि जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लमेटिक लगेंगी नहीं, है ना, हम बहुत आसानी से निकल जाएंगे, चाहे कोई प्रॉब्लम हो घर में, किसी प्रकार की स्थिति हो ऐसी आती है ना। मैंने ये खुद महसूस किया है, जब बहुत सारी टेंशन आई, जब कोविड आया, जब हम हेल्पलेस हो गए, हम होपलेस हो गए, तब जाकर हमको ये फील होने शुरू हुआ कि किस प्रकार से हम लोग जो है सब कुछ भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें 1 मिनट के अंदर दरवाजों में बंद कर दिया गया, क्या कर पाए हम, कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो ऐसी चीजें हैं कि हमको ये समझना चाहिए कि 100% वी शुड डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा, वी शुड नॉट थिंक दैट यस अभी हम जपा करने लग गए, अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे पास है, हमें कोई पोजीशन मिल गया, हमें कोई नाम प्रतिष्ठा मिल गई, तो हमारे हाथ में कुछ भी है, तो हमारे हाथ में एक्चुअली में 1% एक पिन का भी हिलाना नहीं, सिर्फ ये है कि हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कि हमको क्या होना चाहिए, जैसे जैसे एग्जाम्पल देते हैं गोपीज का जो भाव था, उनको बोला कि भगवान से, कि भगवान ने जब उनको बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वेरी कॉमन पास टाइम, सिर में दर्द हो रहा है तो जो है आप मेरे लिए जो है चरण धूलि लेके आओ, नारद जी को बोला, तो गोपीज रेडी हो गई बड़ी जल्दी देने के लिए चरण धूलि, उन्होंने बोला हम नरक में जाएंगे लेकिन कृष्ण तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए कि जैसे भी आप राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, तो लेकिन हम जो है आपके हरि नाम नहीं छोड़ेंगे, हम आपका जपा करते रहेंगे चाहे आप जिस भी स्थिति में रहो। तो अगर हम जिस भी स्थिति में रह के जपा करेंगे और जिस भी स्थिति में रह के हम भगवान का नाम लेंगे ना, भगवान 100% आपको हेल्प करेंगे, है ना, भगवान को मजबूर हो जाना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। ये मेरा बहुत एक ना कन्विक्शन है, बहुत मानना है मेरा कि हम हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति में हम भगवान को प्रेम करेंगे, ये ना सोच के कि हमें कुछ मिले भगवान से, ये सोच के कि हाँ मेरे तो एक्चुअली में मेरा काम ही यही है भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रेम करना, भगवान के लिए उनकी खुशी के लिए हर कुछ करना, और भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है जब हम उनके नामों का जप करते हैं। तो मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नामों का जप नहीं करती, मैं भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए नामों का जप करती हूँ, चाहे टूटा फूटा कैसा भी करती हूँ, घसीट के किसी भी तरीके से उठ के, कभी सोते हुए कभी जगते हुए, भगवान देखेंगे ना जब हमारे स्ट्रगल को कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना ये उठ रही है, हेल्थ भी इशू है और ये देखिए फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बच्चे मानते नहीं, पति पत्नी में आपस में नहीं मन मिल रहे, लेकिन फिर भी ये देखो सुबह उठ के मेरा जपा करती है, मेरे नाम को बुलाती है, मुझे बुलाती है, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ, है ना। जब हमारा बच्चा होता है और वो हमारी सेवा करता है और वो हमारी हर बात को मानता है ना, हम सभी पेरेंट्स हैं और कब जब हमारे बच्चे हमारी बात को मानते, कितना हृदय से कितना प्रेम निकलता है उसके लिए, है ना। मेरा बेटा इतना सेवा करता है मंदिर में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी भी होती ना शायद वो इतना हेल्प नहीं कर पाती, मुझे कुकिंग में हेल्प करता है, मुझे ड्यूटी वर्शिप में हेल्प करता है, मुझे क्लीनिंग में हेल्प करता है, मुझे एकादशी पे कुकिंग वही करता है, ही इज जस्ट 19 ईयर्स। तो मैं सोचती हूँ भगवान ये मेरे किसी ना करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल है जो ये मुझे मिला है ना, ये मेरी कोई कैपेबिलिटीज एक्चुअली में नहीं है ये मैं जानती हूँ। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अंदर से सोचना चाहिए कि क्या बोलते हैं, अंदर से सोचना चाहिए कि एक्चुअली में मेरी स्थिति क्या है, क्या मेरी, मैं ऐसी हूँ जो मैं इस तरह की शिक्षा दे पाती, लेकिन नहीं, ये कृष्ण कृपा है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है, उसके लिए हमें कभी मांगना नहीं है भगवान से, हे भगवान हमारे बच्चे को ऐसा कर दे, हमको अपनी सिंसेरिटी दिखानी
है ना। मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ, प्लीज नोट माय वर्ड्स, कि अगर हम अपनी सिंसियरिटी दिखाएंगे ना, नो डाउट हमारे बच्चे वैसा ही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन हमको खुद की सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं बहुत सिंसियर हूँ इसीलिए मेरा बेटा ऐसा है, वो एक एक्सेप्शन है, भगवान का गिफ्ट है जो मुझे मिला है। लेकिन फिर मैं उसको देख के सिंसियर होने की कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो क्या सोचेगा मेरी मदर, नहीं करती है ना। तो हमको, अगर बच्चा हमारे से आगे है तो हमें उसे देख के प्रेरणा लेनी चाहिए, अगर बच्चे नहीं कर रहे तो हमें खुद से अपने आप को दिखाकर उन्हें एक एग्जाम्पल बनना चाहिए और वो हमें फॉलो करेंगे। लेकिन कोई ऐसा मोटिव रख के नहीं, है ना, भगवान को प्रसन्न करने की। तो डिवोशनल सर्विसेज मीन्स, द प्योर डिवोशनल सर्विसेज मीन्स अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड, कि मतलब उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये होता है। और क्या होगा कि हम देखिए, जैसे हमें ये रियलिटी जाननी चाहिए कि वी आर होपलेस एंड वी आर हेल्पलेस, कि हम हो एंड ऑफ द डे हम लोग क्या है, हेल्पलेस हैं और हम लोग क्या है, होपलेस हैं। हमें यही नहीं पता कि आगे क्या होना है, हमें ये नहीं पता हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमें कौन सी योनि मिलेगी, जानवर बनेंगे, कुत्ता बिल्ली कैसे बनेंगे, है ना। अगर मनुष्य योनि भी मिली तो पता नहीं मेरा बेटा मेरा अगले जन्म में बेटा होगा कि नहीं, मेरा पति अगले जन्म में मेरा पति होगा कि नहीं। तो जो मेरा एक कन्विक्शन भक्ति में रहकर आया, जो मैंने समझा, वो मैंने ये समझा कि वी आर इंडिविजुअल सोल, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें मिली है, पति और जो बच्चे रिलेटिव्स सबके साथ हमें एक बड़ा अच्छा प्रेम भाव रखना चाहिए। और मतलब क्योंकि वो हमें सिर्फ इस बर्थ में मिले हैं और हमको सिर्फ इनकी सेवा करनी है, बिकॉज कृष्ण ने दिए हैं कि जैसे हमारी एक जॉब लगी मेरी, तो मेरी एक जॉब लगी, मैं एक एयरलाइन में एयर होस्टेस हूँ, तो मेरी ये जॉब लगी कि अब मुझे ये लोग मिले हैं इस फ्लाइट के अंदर, मुझे इनको सर्व करना है, तो मैं कैसे सर्व करती हूँ, देखा ना आप एयर होस्टेस कैसे सर्व करती, एकदम हेलो हाउ आर यू, हैप्पी जर्नी सर, है ना, ऐसे ऐसे करके। उनके कोई रिश्तेदार थोड़ी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने प्यार से एकदम ग्रीट करती है, उन्हें खिलाती है, उन्हें पिलाती है, उन्हें ब्लैंकेट उड़ा के सुलाती है, उनके बदतमीजियों को झेलती है, हर कुछ करती है, लेकिन मुंह पे क्या रहता है, स्माइल, है ना। एक सेवा का भाव, एक एटीट्यूड ऐसे रहता है, हर समय एक सेवा दिखाना चाहती है। लेकिन अंदर से क्या जानती है वो, कि ये ना तो मेरे रिलेटिव है, ना तो ये मेरे घर के हैं, ना ये मेरे साथ रहने वाले हैं। वो क्या सोचती है, बस इस फ्लाइट के अंदर, ये 2, 4, 5, 10, 20 घंटे की जो फ्लाइट है, इसके अंदर मुझे इन्हें सेवा करनी। उसके बाद जब मैं ये फ्लाइट से उतर जाऊंगी, केबिन क्रू से निकल जाऊंगी, बाहर मेरी ड्यूटी ओवर हो जाएगी, फिर मेरा असली स्वरूप आएगा, फिर मैं अपने घर जाऊंगी, उधर अपनी मर्जी से लेटूंगी, अपनी मर्जी से खाऊंगी। सिमिलरली हमको ऐसा भी सोचना चाहिए कि हमारी जो ये सेवा है वो हमें सिर्फ इस जन्म के लिए मिली है और हमें खुशी खुशी सबको सर्व करना है। और उसके अंदर हमको क्या, भगवान से एनर्जी लेनी। एनर्जी कैसे आएगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आएगी। हमें उसको सिंसियरली जपा करना है, अपनी स्ट्रगल्स को देखना है, भगवान आपको टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, है ना। तो जो है हमको इस तरीके से अपनी सिंसियरिटी को दिखाना है। तो फर्स्ट तो हमारा क्या था, ग्रैटिट्यूड, सेकंड इज अनमोटिवेटेड सेवा, सॉरी अनमोटिवेटेड हमारा जो है सिंसियरिटी, जो तीसरा आएगा वो हमारा आएगा ह्यूमिलिटी। कितना हमको ह्यूमिलिटी, हमें बोला जाता है रहना है रहना है रहना है, 2 मिनट में ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है। हम देखते हैं दूसरे भक्तों में ह्यूमिलिटी है, हमारे में है नहीं, तो ह्यूमिलिटी कैसे आएगी ना। तो जब हमने देखा है कि जब पढ़ा है, जब सनातन गोस्वामी मिलने के लिए गए थे चैतन्य महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने क्या बोला कि सनातन योर ह्यूमिलिटी इज किलिंग मी, है ना। तो आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो मतलब इट इज मोर सो मच, तो जो है आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो हम मुझे मेरा हृदय जो है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहा है आपकी ह्यूमिलिटी को देख के, है ना। वो इतने ऊंचे पद पर होके, इतने एग्जॉल्टेड होकर वो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कह रहे थे, वो सोच रहे थे। तो हमें भी एक्चुअली में ऐसा सोचना है, जैसे अभी हमने बताया कि हम होपलेस एंड हेल्पलेस है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, हमें कुछ मालूम ही नहीं अगले 10 मिनट में क्या होगा, हो सकता है शाम तक हम जिंदा भी ना रहे, तो हमारे साथ होगा क्या। तो इससे अच्छा हमें हमें विनम्रता दिखानी चाहिए, हमें भगवान को सरेंडर हो जाना चाहिए, सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान से याचना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें अपनी सेवाओं में लगाओ, जितनी जल्दी हम सेवाओं करते रहें, ये जो टाइम है ना धीरे धीरे जा रहा है, इसको कैसे ना कैसे हमें एकदम यूज करना चाहिए, जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना बेहतर रहता है ना। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि हमें ये समझ जाना, सुन तो लेते हैं समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको महसूस करना, उसको उसको अपने हृदय में धारण करना कि हम हेल्पलेस हैं, हम होपलेस हैं,
हमारे हमारा कोई भी हमें कुछ चीज का पता नहीं है, कैसे हम इस सब चीजों को, हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम सोचते एकदम एकदम डिसबैलेंस हो जाती है लाइफ ये सब कुछ। लेकिन हमें उस टाइम में भी क्या करना चाहिए, हमें भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हमारी ऐसी स्थिति ले आनी चाहिए जपा करते 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 कि कोई भी हमारे साथ ना हो, कुछ भी आए जीवन के अंदर, वह हमें ये कन्विक्शन रहना चाहिए हरि नाम हमारे साथ रहे, है ना। नोबडी कैन टेक हरि नाम फ्रॉम अस, कोई भी स्थिति आए हमारे, कितनी विपरीत स्थितियां आए, लेकिन हमारे पास क्या हमें रहेगा, हमें हरि नाम करना। तो हरि नाम से क्या होगा, हरि नाम हमें एक ऐसी पावर देगा ना, हम हर प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ये मेरा बहुत बड़ा कन्विक्शन। निकली भी हूँ मैं बहुत प्रॉब्लम से, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो मेंटल इश्यू हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो टेम्पल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है बिल्कुल मतलब हमारे कभी कभी मंदिर में ऐसा होता है कि हमारे से वैष्णव अपराध हो, हम किसी को मानते नहीं है, किसी की बात को फॉलो नहीं करते, किसी को भरा बुला कह देते हैं, तो दैट इज वेरी 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 सीरियस। तो हमको ये कभी नहीं करना, अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, किसी के बारे में बुरा कहते हैं, बुरा सुनते हैं, दैट इज वेरी वेरी मतलब आप देखेंगे ना धीरे धीरे हमारे चैंटिंग का टेस्ट जितना डेवलप हुआ उतना भी खत्म हो जाता है। फिर हम पूछते फिरते हैं सबसे, प्रभु जी हमारा मन नहीं कर रहा, हम सुबह उठ नहीं रहे, हमारा मन ही नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता मैं जप करूं, एक एक माला मुश्किल हो जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वैष्णव अपराध, है ना। हिज होलनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का एक वीडियो थोड़े दिन पहले मैं सुन रही थी उसमें महाराज बोल रहे थे कि जितना जो जो अपराध करता है या जो गलत काम करता है तो उसको जितना उसका भुगतना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा उसके प्रचार करने वाले को भुगतना पड़ता है। यानी कि अगर मैं बता रही हूँ कि फला माता जी ऐसा कर रही हैं, वो प्रभु जी ने ऐसा कह दिया, मैं तो मुझे हर्ट कर दिया, मुझे ये कर दिया, सीनियर ने मुझे ऐसा बोल दिया, अगर हम ऐसा सोचते हैं या हम ऐसा उसका प्रचार करते हैं तो वो हमारी भक्ति को इतना तुरंत नष्ट करता है, इतना तुरंत उसके इम्पैक्ट हमारे जपा पे आने शुरू हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि हम उसको सोच भी नहीं पाते, और उसको हमें दोबारा गेन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है हम सब जानते हैं। सुबह उठने में हमें अचानक से ऐसा होता है कि हम रोज सोचते हैं कल से उठेंगे फिर भी नहीं उठते, कल से उठेंगे फिर भी नहीं उठते, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ होता है। आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर। एंड फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटिट्यूड, कि हमें अपना ग्रेटिट्यूड करना है, हमें देखना है कि हम क्या थे, हम क्या हो गए, हमारे हम कृष्ण कृपा कितनी है, वैष्णव कृपा कितनी है, हमारे में कोई गुण ना होते हुए भी हमें वो सेवा में लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट है नो अदर मोटिवेशन, कि हमारे अंदर कोई और मोटिव नहीं होना चाहिए जपा के लिए, सिर्फ ये कि भगवान हमें हमें सही सेवा में लगाएं, हमें अपना स्वरूप दिखाएं जो हम हैं एक्चुअली में। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिलिटी, कि हमको ये कन्विक्शन आ जाना चाहिए कि हम हेल्पलेस हैं, हम होपलेस हैं, हर सिचुएशन में हम हेल्पलेस होपलेस हो जाते हैं, लेकिन जपा हमको उससे निकाल सकता है बाहर। फोर्थ क्या है, नो वैष्णव अपराध, जो कि हमें अभी हमने डिस्कस किया कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, कृष्ण हर चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैष्णव अपराध को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वैष्णव अपराध कृष्ण को कभी भी मंजूर नहीं है कि वो आप हम किसी उनके भक्त उनके प्रति जो हरि नाम ले रहा है उनके प्रति हम कुछ गलत बोल, उनके प्रति हम कुछ गलत सोच लें, कृष्ण हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और कभी अनइंटेंशनली अगर हमारे से ऐसा हो जाता है, हम सोच लेते हैं, और अनइंटेंशनली क्या इंटेंशनली भी अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमने सोच लिया, तो हमको अगर अपनी भक्ति बचानी है हमें तुरंत उनके पास जाके क्षमा याचना करनी चाहिए, इतनी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि हमने गलत सोचा है हमें जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु जी माता जी मैंने आपके लिए ऐसा माइंड में भी सोचा, इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत। लेकिन अगर हम एक बार ऐसा कर लेते हैं तो देखना कितना हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होती है। फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ है जो कि बड़ा हमको 10 नाम अपराध में भी आता है और हमको बताया भी जाता है और हम रोज करते भी हैं ऐसा, है ना, फोकस, ब्रिंगिंग बैक आर माइंड। सो उसमें क्या है कि हम लोग को माइंड जब भी जपा करते हुए हमारा माइंड जाता है, ऑब्वियसली हम कितना भी सिंसियरली जपा करने की कोशिश करें माइंड जाएगा, खींच के लाना है, फिर जाएगा, फिर खींच के लाना है, फिर जाएगा, फिर खींच के लाना है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, लोग क्यों नहीं जपा करते, जो हम बाहर के लोगों को बोलते हैं जपा करो, या हम खुद भी जपा करने का इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि जपा करते करते हमारा माइंड कहीं और चला जाता है, हम कुछ सोचने लग जाते हैं और बहुत देर बाद याद आता है अरे मैं तो जप कर रही थी, वापिस ऐसे करते हैं, तो वापिस आके हम जपा करते हैं, हार्डली आधा मिनट भी नहीं होता जपा करते करते फिर हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। तो ये है हाँ
हमारी सिंसेरिटी को शो करता है ये, कि अगर हम बार 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 अपने माइंड को खींच के लाते, तो कृष्ण भी देख रहे होते हैं बेचारा कितना फाइट कर रहा है, ये बेचारी कितनी फाइट कर रही है, अपने माइंड को ला रही है, ले जा रही है, ला रही है, ले जा रही है, ला रही है, ले जा रही है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रही। तो हमको ये चीज को छोड़ना नहीं, जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लेके आना, उसके लिए हमें थकना नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा करते रहेंगे ना, तो हम देखेंगे कृष्णा जो है ना वो जरूर हमें हेल्प करेंगे इस चीज के लिए, है ना, जरूर हेल्प करेंगे। एक दिन वो हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे, वो ही ऋषिकेश है, हम नहीं है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है वो ऋषिकेश है, हमारी हर सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो वो हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे। फिर कभी कभी जब हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी हमें आभास होता है, आज जब पापा बहुत अच्छा हुआ है, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो स्थिति तो नहीं आई है कि एकदम हम एग्जॉल्टेड स्टेज पे आ गए हैं और बहुत अच्छा लगने लगा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीशमेंट होती है ना। तो जो है हमको जो है इस तरीके से अपने माइंड को जो है कंट्रोल करना चाहिए। तो जो कृष्ण जो है वो इन सब चीजों को हेल्प करेंगे। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक किसान होता है, वो सभी अपनी जो भूमि होती है उसको उपजाऊ करता है कुछ भी पैदावार से पहले, तो इसी प्रकार से अब जब हमें भक्ति के जो बीज है, जो जपा का एक बीज है हमें हृदय में डालना है, उससे पहले हमें अपनी जो भूमि है उसको उपजाऊ करना। तो ये चार पांच चीजें जो हैं जो कि मैंने अभी तक सुनी है, इम्प्लीमेंट करी है, और इसका फायदा भी मुझे बहुत हुआ है, और इसी के कारण मैं जपा भी अच्छे से कर पा रही हूँ। जो उसके उसी वजह से हमको अपनी इस भूमि को उपजाऊ करना है, ताकि जो बीज है वो हमारे हृदय में आए और जो है वो बहुत अच्छे से उपजाऊ हो, है ना। इसी प्रकार से हमें अनर्थों से बचना है, जैसे कि एक स्पॉन्ज होता है और जो नोट गिनते हैं ना, ऐसे हम जाते हैं कहीं दुकान पे, वो ऐसे गीला कर करके नोट गिनते हैं, तो जब वो स्पॉन्ज साफ होता है तो उसमें पानी डालो वो ऑब्जर्व करता है उस चीज को ना, एब्जॉर्ब होता रहता है उसमें। लेकिन अगर मिट्टी डाल दो उसके ऊपर तो फिर वो, कंकर डाल दो, पेपर रख दो, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हमारे जो हृदय है वो स्पॉन्ज रूपी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस डालते रहेंगे वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेकिन अगर हमारे अनर्थ की लेयर उस पर आती रहेगी तो हमारी भक्ति, हमारा जपा सब हमसे दूर होता रहेगा। तो बड़ी कॉन्शियसली हमको ये सब चीजें करनी है, बहुत ऐसे भाव पे आना है मेहनत करते करते, जैसे हरदास ठाकुर जपा करते थे, उनके पास सांप बैठे शेर बैठे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से हमें फिक्स करना है अपने माइंड को, और लोग हमें देख के ये सोचें कि देखिए इतनी कष्ट में भी, जैसे परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, ऐसे हमें भी पता है, लेकिन वो रिलीश कर रहे थे उस चीज को बिकॉज कृष्ण उनके हृदय में आ गए। इसी प्रकार से हरिनाम करते करते कृष्ण को हमें अपने हृदय में लाना है, ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पार करते हुए हरिनाम को ना छोड़ें और प्रेम पूर्वक हरिनाम करते रहें। तो मैं अभी विराम दूंगी, और बोलने को मैंने बहुत मैटर इकट्ठा किया था बट समय खत्म हो गया, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्रभु जी आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैंने बस यही सोचा था कि आज हम प्रैक्टिकली इस चीज को मैं बोलना चाह रही थी, शास्त्रिकली शास्त्र देकर रेफरेंसेस देकर तो हम सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, उन सब चीजों से बाहर कैसे आए, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दीज थिंग्स बिकॉज आई एम माई सेल्फ स्ट्रगलिंग कि मेरे अनर्थाज आ रहे हैं, मैं जपा नहीं कर पा रही, तो आलस आ रहा है ना। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज मेरे को बुखार आ गया था बहुत तेज, मैं वृंदावन में भीग गई थी तो मैं उठ नहीं रही थी 2 दिन, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं आलस में हूँ। तो मैं अपने लिए ये सब चीजें बोल रही हूँ ताकि मैं इन सब चीजों से बाहर आऊँ। तो आई एम सॉरी अगर किसी को हृदय को ठेस पहुंची हो, मेरे लिए प्लीज प्रे कीजिएगा कि मैं जपा कर पाऊँ और अपने सीनियर वैष्णवास को अच्छा लगे देख के कि ये जो है हमारे शेल्टर में है और अच्छे से जपा कर पा रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर शेयरिंग दैट हाउ यू हैव गॉट द टेस्ट व्हाट यू हैव विद यू। और प्रैक्टिकली मतलब जो जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, द थिंग्स व्हिच वी नीड टू इम्प्लीमेंट टू मेक द सॉइल द लैंड मोर फर्टाइल सो दैट द भक्ति सीड कैन ग्रो, एंड दीज थिंग्स आर एक्चुअली बैकबोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑफ आवर चैंटिंग वेरी नाइसली ग्रेटिट्यूड in unmotivated service, how to cultivate the new mood of humility thinking, the hopelessness and the helplessness, and we are nothing, and taking care that we don't offend any Vaishnavas, and then finally the attentive chanting. So these were some of the practical things which you shared, which we
struggle with on a daily basis. And this certainly will help all the devotees who are listening to your Japa talk, and we are very grateful to you, Mataji. Thank you very much. If Thank you you so allow, much. If some devotees have any comments, I see the comments are coming there. But if you have any questions also, you can drop down or Yes. you can unmute and ask. Vikas Yes, Prabhu, you have. Yes, sir. Hare Krishna, Dhanu Pranam. Thank you, Thank you. Mataji, for the wonderful advices. Not advices, I say. एक पॉइंट था माता जी, आपने कहा ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड विच वी शुड लुक दैट हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट दैट दैट विल अगेन ब्रिंग प्राइड इन आवर सेल्फ. अरे मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया, अगेन प्राइड विल कम, अगेन विल फॉल डाउन. सो ग्रेटिट्यूड तो बस उनसे प्रे करना है कि हाँ, कीप ऑन योर मर्सी अपॉन अस दैट वी आर ऑलवेज विद यू, वी शुड नॉट गेट डिविएटेड. सो इफ वी स्टार्ट थिंकिंग मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो एक प्राइड मन में आ जाएगा, फिर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा. सो दैट वॉज वन. And the other one, Mataji, was that no other motivation. In that motivation, आपने कहा कि मतलब we should not pray that हाँ मुझे और भक्ति दो और शक्ति दो, that sort of thing. But we have मतलब motivation, humility. हाँ, humility में हम लोग को we can pray ना to to Krishna every day कि please keep me in your feet, please increase my chanting. Please see that I get keep on doing my chanting time regularly. ये दो पॉइंट थे मतलब. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. एक्चुअली मैं क्या है, जो हम आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपने बोला कि आई एम सो सॉरी, आई एम स्किपिंग दैट, अभी मेरे एक सेकंड में दिमाग से निकल गया. द फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बोला, कैन यू प्लीज रिपीट? कहाँ से कहाँ पहुंच गई आपने कहा हाँ ना माता जी यस की. यस प्रभु जी, हाँ, दिस इज एक्चुअली हमको ये नहीं सोचना कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना. हमें ये सोचना है कि जो हमारी इतनी स्थिति थी, जो हम मेटेरियली इतने इंग्रॉज थे, है ना, तो वहां से हम इतना इम्प्रूव कर गए हैं. लेकिन आज की डेट में भी अगर हम सोचें, अपने हृदय को हम जानते हैं, है ना. ऐसा एक सीनियर वैष्णव है, वो हमेशा इस चीज को बहुत फोर्स करते हैं और मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी. तो वो हमेशा बोलते हैं कि अगर हमको अपने लाइफ की वीडियो दिखाई जाए ना, तो हम वो भी नहीं देख पाएंगे. तो वो मुझे सॉरी, वो बोलते हैं कि अगर एक ही दिन की दिखा दी जाए, सुबह से लेकर शाम तक हमें सोने से पहले हमारी ही वीडियो दिखा दी जाए, हमारी ओरिजिनल इंटेंशंस जो हमारे मन में आई अभी भी बैठ के, कि इसके इसका हमने ये सोचा, उसके बारे में हमने ये सोचा, हमारे मन में कितना लस्ट आया, हमारे मन में कितना ग्रीड आया, क्या हम सच में भगवान की इच्छा, भगवान की प्रेम मांग रहे हैं क्या. अगर हमें हमारी ही वीडियो दिखा दी जाए आज भी, तो हम अपनी ही नहीं देख पाएंगे एक्चुअली. तो इस अगर हम आज की स्थिति भी अपनी देखेंगे ना, तो हमारे अंदर कभी प्राइड नहीं आएगा ये सोच के कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए. कहाँ से कहाँ का मतलब, हम एक बहुत गिरी हुई स्थिति से, जहाँ हम रात को सो रहे हैं 2 बजे, पिक्चर्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में हैं, फ्रेंड्स के साथ फ्रीक आउट कर रहे हैं. मैं अपना बताऊं तो मेरा जो पास्ट है वो सब होटल इंडस्ट्री से रहा, एविएशन इंडस्ट्री से रहा, कॉरपोरेट से रहा. तो उधर कॉरपोरेट में तो खैर मैं उस टाइम भक्ति में जुड़ गई थी, लेकिन जब मैं एविएशन में थी, मैं होटल में थी, तो कितना एक बुरी स्थिति थी कि हमें हमें क्लब्स जाना है, हमको डीजेज में जाना है, न्यू ईयर नाइट्स बाहर मनानी है. वहां से तो हम उठ के यहाँ तक आ गए कि अभी हम रात को ये सोच के सोते हैं कि हमें सुबह जपा के लिए उठना है, हमें चैंटिंग करनी है, हमें संडे है तो हमारा संडे हमें यहाँ स्पेंड करना है, ना कि हमें मॉल में या मूवीज देखते हुए, है ना. वहां से यहाँ तक तो आ गए, ये सोचना चाहिए, हमें कृपा करनी चाहिए, हमें कृपा याचना करनी चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए हमारे वैष्णवास का, जिन्होंने हमें पिटाई कर करके यहाँ तक पहुंचाया है. क्योंकि हम अपनी इच्छा से आते हैं तो हम पहले ही आ जाते. लेकिन आज भी हमें हमें प्राइड ना आए, तो हमें आज ही अपनी स्थिति को फिर देख लेना चाहिए कि क्या अभी भी हमारे हृदय शुद्ध हो गया, क्या अभी भी लस्ट चला गया, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है ना. टू बी वेरी फ्रेंड, इसी में से लस्ट नहीं जा रहा, कैसे जाएगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की. तो अगर हम ये सोच लेंगे कि हमारी आज भी हमारी स्थिति इतनी घटिया ही है, तो फिर हमारे अंदर प्राइड नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा हमारे अंदर प्राइड. तो कहीं से कहाँ का नहीं, मतलब यही है प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ये था. प्राइड आने जैसा तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं एक्चुअली. मतलब वो आ जाता है ना वही, मतलब उसी को आपकी बातों से उसको खत्म करना, उसको सोचना है इस बारे में. वही जैसे ये पॉइंट सुनते सारी प्राइड आना शुरू हो गया, कह रही कहाँ से कहाँ पर, तो नहीं आना है, वो नहीं आना है दिमाग में. कहाँ से कहाँ मतलब कि मतलब हमारे, वेरी मच फॉरन अगेंस्ट वेरी सीनियर डिवोटी, हाँ कहीं भी कुछ नहीं है. हाँ, करेक्ट. हाँ लेकिन हमें ये देखना है कि हम जो एक बुरी स्थिति से एक
थोड़ी लिटिल बेटर स्थिति में है, लेकिन फिलहाल भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। फिर हम समझ लेंगे तो हमारे अंदर प्राइड कभी नहीं आएगी, चाहे हम कितने भी फेमस हो जाएं, चाहे कितने भी हमें रिनाउंसिएशन मिले। लेकिन जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि माता जी इतनी सेवा कर रही है, माता जी ये कर रही है, माता जी वो कर रही है, लेकिन तुरंत मैंने अपने हृदय में मेरे आया कि प्रभु जी तो इतना मेरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी हृदय की स्थिति तो कितनी खराब है। मेरे तो अभी भी प्राइड, अभी भी देखो प्राइड आ गया, या अभी भी लस्ट है, अभी भी देखो ग्रीड है, जेलसी अभी भी हो जाती है, जरा सी बात से जेलसी तो फिर प्राइड चला जाएगा। क्या है, क्या हमारे सिर उठाने जैसा है क्या हमारे पास? कुछ नहीं है एक्चुअली। Absolutely. Thank you, Mataji. Thank you, Hare Krishna. जी, शोभा माता जी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, यू टोल्ड 5 पॉइंट्स, तो ग्रेटिट्यूड एंड देन सर्विंग विद हैप्पीनेस एंड लव, एंड थर्ड माता जी वॉज ह्यूमिलिटी। फोर्थ पॉइंट आई मिस्ड माता जी। नो वैष्णव अपराध माता जी। ओके, नो वैष्णव अपराध। तो मैं हाँ क्वेश्चन माता जी, लाइक हम लोग बहुत सारे सीनियर डिवोटीज से सुनते हैं कि जब कभी आपको डिजायर हो भी कि आपको लॉर्ड से कुछ कहना है, मांगना है, तो हम इस तरह से उनसे बोल सकते हैं कि हमको आप ये पर्टिकुलर पर्सन को आप हमारी लाइफ में ठीक कर दीजिए, या ये सिचुएशन ठीक कर दीजिए, ताकि मैं अपना मन जपा में और आपकी सर्विस में एक बेटर तरीके से लगा सकूं। सो इज इट राइट एटीट्यूड माता जी, क्योंकि आई डिजायर इन दिस सेम वे, सो इज इट राइट, और आई शुड ट्राई टू। माता जी, एक्चुअली ये जो चीजें हम मांगते हैं, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं, सपोज करिए कि हमारे घर में ऐसी स्थिति है कि हमारे हस्बैंड जो है वो भक्त नहीं है या पत्नी भक्त नहीं है, तो हम भगवान से ना अपनी सिंसेरिटी दिखाने के बजाय हम यही याचना करते रहते हैं, ये भक्त बन जाएंगे तो हमारे लाइफ हम और अच्छे से कर पाएंगे, अगर ये भक्त होते तो देखो मुझे यात्रा में भी ले जाते, ये भक्त होते तो देखो आज सुबह सुबह उठ के हमारा पूरा घर हरि नाम ले रहा होता, ये भक्त होते तो हम ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है ना माता जी, क्या कृष्ण को नहीं पता कि अगर हम ऐसा, अगर ये भक्त बन जाएंगे तो हमारी लाइफ और अच्छी स्मूथ हो जाएगी, हमारी भक्ति और स्मूथ हो जाएगी? तो ऐसा प्रश्न मैंने सुना था कोई सीनियर डिवोटी हिजवेरनाथ राधानाथ स्वामी महाराज से कर रहे थे कि महाराज अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो महाराज ने ये उत्तर दिया कि तुम क्या सोचते हो, ये चीजें बड़ी इजी हैं मिल जाने, या सिचुएशन बड़ी आसान, बड़ी मतलब बड़ी इजीली अगर सही हो जाए तो क्या ये बहुत इजी है? तो अगर ये मिल भी जाएगा तो भी हमारी डिजायर कंप्लीट नहीं होगी, फिर हम दूसरी डिजायर रखेंगे, और ये मिल भी जाएगा तो हम इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। हमें ना बहुत स्ट्रगल करके जो भक्ति करने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद आसानी से भक्ति करने पे नहीं आता है ना। जब हमको घर से बोला जाता है कि आज तुम नहीं जाओगी मंदिर में, आज तो तुम्हें रिलेटिव्स आ रहे हैं, एकदम से हमारा हृदय दुखने लग जाता है, ओ कृष्णा अब मैं अपना प्रोग्राम कैसे अटेंड करूंगी, मैं कैसे क्लास में जाऊंगी, मैं कैसे ये करूंगी। तो जब हमारे यहाँ इतना दिल रोता है और हम प्रेयर करते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो नहीं आ रहे होते और हम चले जाते हैं, तो कितने आनंद आता है, वो थैंक गॉड कृष्णा, थैंक यू वो नहीं आए, थैंक यू नहीं आए, और हमको जो मिल रहा होता है नेक्टर हम उसको बहुत रिलिश करते हैं, क्योंकि हम एक एक बैरियर से निकल के आए हो। लेकिन अगर सपोज करो कि सुबह उठे हैं 10 बजे, ठीक है पति ने बोला तैयार हो जाओ तुम, तुम्हें क्लास के लिए जाना है, उठ गए तैयार हो गए, मंगल आरती करी जपा हो गया, क्लास में चले गए, तो बड़े एक मैकेनिकल सा हो जाएगा, और बहुत इजीली हमें जो मिल जाती है चीज तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ये हमारी मतलब टेंडेंसी ऐसी है हमारी, जो इजीली हमें चीज मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। कितना हम डिवोटीज को देखते हैं माता जी, मालूम नहीं आप लोग के घर मंदिर से कितना पास में है, मेरा घर मंदिर से 10 मिनट लगता है खाली जाने में, तो मैं मंदिर आराम से जाती रहती हूँ, डिवोटीज एसोसिएशन लेती रहती हूँ, बहुत सारी सेवाएं जल्दी जल्दी भी करती रहती हूँ, आने जाने का टाइम भी बच जाता है। लेकिन मैंने देखा है कुछ माता जी हैं जो कि मेट्रो से 1.5 1.5 घंटा लगाकर आती हैं, बहुत दूर दूर 2 2 घंटे लगाकर आती है किचन में सिर्फ बर्तन धोने के लिए, वो मुझसे ज्यादा रिलीश कर रही होती है, क्योंकि उनको इतनी मेहनत करके पहुंच रही है वो वहां पे। तो जो है जब हमें मुश्किलों से कोई चीज प्राप्त होगी तो हम उसकी वैल्यू करेंगे, उसको हम रिलीश करेंगे, इसीलिए भगवान थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी देते हैं ताकि हमें वैल्यू रहे उन सब चीजों की। और आप जैसे कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये एक्स पर्सन जो है ये ठीक हो जाए या ये भक्ति में आ जाए तो हम और अच्छे से जपा कर पाएंगे, तो उससे पहले हमें अच्छे से जपा करना है और भगवान ऑटोमेटिकली उन्हें सही करेंगे। ऐसे बहुत हर किसी के साथ तो माता जी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे की, तो किसी को पति की, किसी को फाइनेंस, किसी को घर की, किसी को ऑफिस की, किसी को किसी तरह की, तो हम पहले बोलेंगे कि ये ठीक हो जाए फिर मेरी भक्ति अच्छे से चलेगी, तो ऐसा नहीं करना। पहले हमें दिखाना है कृष्ण को, यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू माई बेस्ट,
अपना अपना पूरा 100% लगा के देना है, अपनी सिंसेरिटी दिखानी है भगवान को। जो हम दिखाएंगे ना तो भगवान अपने आप ठीक कर देंगे, करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा ऐसी स्थिति हम जैसे कहते हैं ना कि हमें ऐसे जपा करना चाहिए कि भगवान खुद आकर देखे कौन कर रहा है। तो हमको इस तरीके से सिंसियरली प्रे, सिंसियरली वी शुड क्राई, सिंसियरली टू क्राई टू गेट कृष्ण प्रेम। तब कृष्ण देखेंगे ये इतनी परेशानी होने पे भी मेरा ही प्रेम मांग रही है, ये अपने घर वालों के लिए कुछ मांग नहीं रही, अपनी स्थिति नहीं ठीक करने के लिए मांग रही है। तब कृष्ण स्थिति ठीक करेंगे ताकि कृष्ण प्रेम भी मिल जाए। तो पहले हमें सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी, तो बाकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके गॉट इट माता जी। हाँ मतलब हमें उनसे प्रे नहीं करना है इसके लिए कि ये कर दीजिए, बस हाँ जपा के लिए मतलब रखना है अपने। बिल्कुल। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। द सेशन इटसेल्फ वाज वेरी प्रैक्टिकल बट द क्यू एंड ए काइंड ऑफ फर्दर हेल्प डिवोटीज, सो थैंक यू वेरी मच। आपकी एडवाइजेस भी बहुत प्रैक्टिकल थी, ऐसा नहीं था दे वर जस्ट बुकिश विच वर डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। कुछ कमेंट्स आए माता जी, सुधा सुधा कुमार प्रभु जी ने भेजा, हरी हरी, वेरी मोटिवेटिंग आंसर यू गेव नाउ माता जी, डोंट वेट फॉर द ओशंस, वी हैव टू रिसीव, सिंपली हैव अ बाथ। एंड देन राजलक्ष्मी माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, टिप्स आर वेरी हेल्पफुल एंड प्रैक्टिकल माता जी, दंडवत प्रणाम। सो देर मेनी सच टिप्स। एंड देन सुधा माता जी अगेन, I really wish I am able to absorb the points you gave us. I should always remember with gratitude where I was and where I have reached. Despite all odds, following four regulative principles and Japa will help me climb out this dark world. So there are many such comments, Mataji, and we are very, very grateful to you for coming with us today and helping us improve our chanting. Thank you, everyone. Hare Krishna. Hare Ganesh, थैंक Radha यू Rupa Mataji ki jai. Thank प्रभु जी। एक्चुअली जो भी मैं बोल रही you. हूँ, जो भी मैंने टिप्स दिए हैं, ये सारे टिप्स मेरे को मिले हैं, मैंने क्वेश्चन पूछे इसी तरीके के, सारे टिप्स मेरे लिए हैं। तो जो मेरे सीनियर डिवोटीज आपसे जो रोजाना मंगला आरती में हम सुनते हैं, आप हरि नाम की महिमा बताते हो, वही नोट करती हूँ मैं। और जो अब भी सीनियर डिवोटीज, जो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया, बहुत पिटाइयां खा खा के मैंने ये सब चीजें करने के प्रयास किया। बहुत मेरे शिक्षा गुरु ने, हृदय प्रशांत मगन प्रभु जी ने बहुत मुझे, हमारी भाषा में बोला तो चमका चमका के हमारी हालत खराब करके हमको बोला जपा करो। लेकिन जब उसके बाद टेस्ट मिलना जब शुरू होता है ना, हृदय आनंद वृंदावन प्रभु जी इज द सोर्स ऑफ माई ऑल चैंटिंग। वो जिस प्रकार से जपा के टिप्स देते हैं, जिस प्रकार से हमें जपा करना सिखा रहे हैं, जैसे कोई नर्सरी के बच्चों को सिखाता है, ऑल ग्लोरीज गोज टू हृदय आनंद वृंदावन प्रभु जी फॉर माई एंटायर जपा। मैंने जपा ही करना उनके शेल्टर में सीखा। तो जो प्रभुपाद जी ने, जो सीनियर, जो महाराजेज ने हमको जो सीनियर डिवोटीज दिए हैं, जो 101 हमें सिखा रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, रियली ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। जब से मैंने टेम्पल में आपकी सिंसेरिटी को देखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने के लिए। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट आई एम अंडर योर शेल्टर नाउ, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट, वी शुड बी फॉर्चुनेट टू हैव प्रभु जी आर शेल्टर। तो हमें सोचना चाहिए वी आर नॉट ग्रेट, वी आर जस्ट फॉर्चुनेट। जब हम ऐसा सोचेंगे तो भगवान हमारी जरूर हेल्प करेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हमारी लाइफ में लाते रहेंगे जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहे। हरे कृष्णा, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच माता जी, हरे आपने कृष्णा इतना सब माता लोगों से जी, सीखा और फिर आपने हरे शेयर कृष्णा। किया। अर्पणा माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, आई जस्ट प्रे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू, थैंक हरे यू, कृष्ण, दंडवत थैंक यू, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।